अभी देखिए, अभी व्यवस्था तो मिली नहीं है, अभी वो सीने पर्वत पे भी नहीं पहुंचे हैं, और सीने पर्वत पे पहुंचने से पहले परमेश्वर उनकी परीक्षा करने की सोच रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके बच्चे ने हाई स्कूल की पढ़ाई नहीं करी, वो हाई स्कूल में आया नहीं है, वो नाइन्थ क्लास में आया नहीं है, तो वो नाइन्थ क्लास की हाई स्कूल की परीक्षा कैसे दे देगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सबका सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सात कलीसियाओं के नाम पत्र और प्रकाशित वाक्य एक अध्याय के दसवें पद में, जहां पर लिखा हुआ है, चलिए मैं पढ़ देता हूँ फिर से। यहाँ लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रभु के दिन के विषय में, और आज जो है प्रभु के दिन का विषय में सातवां भाग है। जी हाँ, सातवें भाग के बारे में बात करेंगे, यानी चौथी आज्ञा की विशेषता क्या है। पिछले संदेश में आपने देखा होगा, हम लोगों ने सीखा था छठी आज्ञा, छठे भाग के बारे में, जहां लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं को दो भागों में बदल दिया। तो हमने देखा कि 10 आज्ञाएं दो भागों में बदल दिया, यानी 10 आज्ञाएं खत्म नहीं कर दी, बल्कि उनका आधार क्या है, वो वेस है। दो आज्ञाएं जो है 10 आज्ञाओं का वेस है, खत्म नहीं करी है, और किस तरीके से उन आज्ञाओं का पालन करना है ये हमने सीखा। और ये भी सीखा था कि परमेश्वर जो है अपनी 10 आज्ञाएं जो उसने पत्थर की पट्टियों पर लिखी थी, हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर अपनी आत्मा के द्वारा लिखना चाहता है, और इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। चलिए देखते हैं चौथी आज्ञा की विशेषता क्या है, परमेश्वर का वचन जो है क्या कहता है हमसे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, और उसका 2 अध्याय 1 से 3 पद तक जब आप पढ़ेंगे, मैं यहां पर 3रा पद पढ़ूंगा। देखिए, मैं ज्यादा पद इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि हम चाहते हैं कि जो मुख्य बात है, जो मेन बात है, उसको सीख लें। 3रे पद में क्या लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। अब यहां विशेषता क्या है, सबसे विशेष बात, देखिए 6 दिन उसने जो भी चीज बनाई, परमेश्वर ने हर चीज को बनाने के बाद देखा और क्या कहा, अच्छा है। परंतु जब 6ठे दिन उसने मनुष्य को बनाया, तो वहां पर जो था एक शब्द बढ़ गया था। क्या बढ़ गया कि उसने जब मनुष्य को बनाया, उसने देखा और क्या कहा, बहुत अच्छा है। परंतु जब हम 7वें दिन की बात करते हैं, जब जो परमेश्वर का पवित्र दिन है, जब हम उसकी बात करते हैं, तो लिखा परमेश्वर ने उस दिन को क्या करा है, उस दिन को आशीष दी, पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया था। अब ये कई हजार वर्ष पूर्व की बात है जो उसने आदम को दी, यानी लगभग 4000 BC की बात है ये, कि परमेश्वर का वचन क्या करा, 4000 BC में उसने क्या करा, उसको आशीष दी, उसको पवित्र ठहराया। सवाल यहां पर ये उठता है कि परमेश्वर ने उस दिन को किसके लिए आशीष दी, अपने लिए? क्या परमेश्वर अपने लिए आशीष देगा? नहीं। इसका मतलब क्या है, उसने लोगों के लिए आशीष दी है कि जब लोग उस दिन में आएंगे तो वो आशीष को प्राप्त करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, उसने उस दिन को पवित्र ठहराया। क्यों पवित्र ठहराया? इसलिए पवित्र ठहराया क्या, अपने लिए पवित्र? भाई वो तो वैसे ही पवित्र परमेश्वर है, और उसके अंदर तो लेश मात्र भी बुराई नहीं है, वो तो बहुत ही पवित्र परमेश्वर है। तो उसने पवित्र फिर किसके लिए ठहराया? वो पवित्र उसने इसलिए ठहराया ताकि मैं और आप उस दिन में आकर उसकी उस पवित्रता को जो उसमें रखी गई है, उसको प्राप्त करके अपने आप को पवित्र करें। जैसा कि आप पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 16वां पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है, क्योंकि जैसा परमेश्वर पवित्र है, वैसा हम भी पवित्र बने। अब जैसा परमेश्वर पवित्र, परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाने के लिए, पवित्र रखने के लिए बहुत सी चीजें करी है, और उसने अपने दिन को भी, जो उसका 7वां दिन था, उसको पवित्र किया ताकि उसमें आके उस पवित्रता को जो है हम ले ले, हम ग्रहण कर ले। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कह रहा है। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता जो है प्रभु के दिन की क्या है, अब यहां पर प्रभु के दिन की दूसरी विशेषता के बारे में जब हम पढ़ेंगे, आप
निर्गमन 16 अध्याय 1 से 36 पद पढ़िएगा, बड़े आराम से मैं आपको बता रहा हूं। निर्गमन 16 अध्याय 1 से 36 पद तक परमेश्वर जो है इसराइलियों को मिस्र देश से निकालकर ला रहा है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि वहां उत्पत्ति के अंदर किसी ने भी व्यवस्था का पालन नहीं किया, यानी चौथी जो सातवीं सॉरी सातवां जो दिन है उस सातवें दिन को किसी ने पवित्र नहीं किया, सातवें दिन में किसी ने आराधना नहीं करी। हम मान लेते हैं ठीक है नहीं लिखा गया, मगर जो ये कहते हैं कि साहब वहां तो लिखा नहीं है, वहां तो किसी ने कुछ किया ही नहीं है, तो आप एक चीज से पढ़ सकते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 21 अध्याय उसके 25 पद में लिखा हुआ है। अगर वो सारी बातें लिखी जाती तो वो पुस्तकें जो लिखी जाती हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए या परमेश्वर के काम का जो वर्णन है उसका वर्णन के बारे में लिखी जाती तो वो कहता है कि ये दुनिया में क्या वो आसमान में भी नहीं समाती, दुनिया में भी नहीं समाती, इतनी पुस्तकें हो जाती, मनुष्य कम हो जाते और पुस्तकों का भंडार जो है वो ज्यादा हो जाता, इसलिए बहुत सी बातें नहीं लिखी। अब मैं जो पॉइंट आपको दे रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा आपके इसी बात पर कि साहब किसी ने तो उसके सबत का पालन नहीं करा, उसके विश्राम दिन का पालन नहीं करा। तो जब वो मिस्र से निकाल कर लाया और उनको जब वो ले जाता है, देखिए अभी वो पहुंचे नहीं है सीनै पर्वत पर, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है वो सीनै पर्वत पर जो है अभी पहुंचे नहीं है। यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे निर्गमन 16 अध्याय और उसका 4 और 5 पद, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रत्येक दिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। अभी देखिए अभी व्यवस्था तो मिली नहीं है, अभी वो सीनै पर्वत पे भी नहीं पहुंचे हैं और सीनै पर्वत पे पहुंचने से पहले परमेश्वर उनकी परीक्षा करने की सोच रहा है और कह रहा है कि मैं आकाश से भोजन गिराकर उनकी परीक्षा करूंगा कि वो मेरी व्यवस्था का पालन करते हैं नहीं करते। अब कौन सी व्यवस्था का पालन करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा जो परमेश्वर का वचन कहता है, और ऐसा होगा कि छठवें दिन वे भोजन अन्य दिनों से दुगना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरेंगे उसे तैयार कर रखें। अब यहां परमेश्वर का जो वचन है क्या कह रहा है कि छठवें दिन जो है वो भोजन क्या करेगा, वो दुगना जो है बरसाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि सातवें दिन भोजन नहीं गिरेगा, आप इनको पढ़ लीजिएगा पूरा 16 अध्याय निर्गमन 16 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है कि सातवें दिन वो नहीं बरसाएगा। और वो ये देखना चाहता है कि कोई सातवें दिन तो बाहर बटोरने नहीं जाता है या सातवें दिन उस भोजन की इच्छा तो नहीं रखता है कि मैं उसको बाहर से लेकर आऊं। अब परमेश्वर किसकी परीक्षा ले रहा है, वो कहता है कि मेरी व्यवस्था की, कौन सी व्यवस्था की, वो व्यवस्था जो 4000 बीसी में उसने आदम को दी और आदम को देकर क्या कहा कि ये पवित्र है और ये आशीष का दिन है, ये पवित्र का दिन है और ये दिन मानने से तुम ये पूरा धारण कर लेते हो अपने दिल दिमाग में कि परमेश्वर जो है आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, क्योंकि 6 दिन उसने जो है संपूर्ण आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी और 7वें दिन उसने विश्राम किया। परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को बताता है, यहां लिखा है। अब देखिए 17वां पद जो है, मैं 17वां अध्याय और निर्गमन का 17 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ाना चाहूंगा। फिर इसराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। अब ये कहां से निकल कर आए हैं, देखिए ये जो है सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल कर आई। आप जब 16 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है पहले ही पद में, फिर एलिम से कूच करके इजरायली की सारी सेना मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलिम और सीनै पर्वत के बीच में है आ पहुंचे। अभी ये यहां पर सीन नाम जंगल में आए हैं, सीनै पर्वत पर नहीं आए हैं। और सीन नाम जंगल से निकलकर 17वें पद में, निर्गमन 17 के पहले पद में कहता है कि वो वहां से निकलकर कहां पहुंचे, रपीदीम में पहुंचे। यानी अभी वो दूर हैं, कहां से, सीनै पर्वत के ऐसे दूरी बनाए हुए हैं परमेश्वर का वचन कह रहा है। यानी अभी व्यवस्था नहीं मिली है, जो हम कह देते हैं कि साहब वो तो व्यवस्था मिली है, व्यवस्था खत्म हो गई, कहां से खत्म हो गई, ये तो व्यवस्था उस समय थी भी नहीं।
जब परमेश्वर ने सातवें दिन की व्यवस्था दी है, और देखिए जब इन लोग चले गए मिस्र के अंदर और मिस्र से निकाल कर ला रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है कि ये मेरी व्यवस्था का पालन करेंगे नहीं करेंगे। कौन सी व्यवस्था का पालन? चौथी आज्ञा जो 10 आज्ञाओं में लिखी है, यानी चौथी आज्ञा की परीक्षा ले रहा है, सातवें दिन की परीक्षा ले रहा है, यानी सबत की परीक्षा ले रहा है कि ये मेरे सबत का पालन करेंगे नहीं करेंगे, ये मेरे सबत को पवित्र रखेंगे या नहीं रखेंगे। अब यहां पर देखिए, अब आप कह रहे हैं कि साहब इसराइलियों ने तो सबत माना नहीं, इसराइलियों ने तो कभी उस उत्पत्ति में लिखा नहीं है कब सबत माना। ठीक है, सबत नहीं माना, मिस्र के अंदर सबत का पालन नहीं किया, तो परमेश्वर क्यों परीक्षा ले रहा है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके बच्चे ने हाई स्कूल की पढ़ाई नहीं करी, वो हाई स्कूल में आया नहीं है, वो 9th क्लास में आया नहीं है, तो वो 9th क्लास की हाई स्कूल की परीक्षा कैसे दे देगा? भाई वो जिस क्लास में है उसी क्लास की तो परीक्षा देगा, या जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उसी क्लास की तो परीक्षा देगा। यहां पर भी जब अगर सबत नहीं दिया गया है, परमेश्वर ने अपने दिन को पवित्र रखने के लिए उनसे नहीं कहा गया, तो फिर परीक्षा किस बात की ले रहा है? परीक्षा लेनी नहीं चाहिए परमेश्वर को? और अगर परीक्षा ले रहा है तो इसका मतलब परमेश्वर ने वो सबत पालन करने की आज्ञा उनको दी है, सबत को पवित्र रखने की आज्ञा दी है, सातवें दिन को पवित्र रखने की आज्ञा दी है, सातवें दिन में आशीष को प्राप्त करने की आज्ञा दी है। वचन को पढ़े ना, क्या कह रहा है, देखिए विशेषता है इसकी। अब एक विशेषता और हम देखेंगे, आप इसको जब पढ़ेंगे, इसका 22 से 30 तक पढ़ेंगे, तो इसके अंदर और भी बहुत सी बातें लिखी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या लिखा हुआ है, 22 पद से पढ़ रहा हूं, निर्गमन 16 का 22 से। फिर ऐसा हुआ कि 6वें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रतीत मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया, और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिझाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। और यहां पर जो है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहां 25वां पद पढ़ रहा हूं मैं, सभी पद नहीं पढ़ रहा हूं। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में ना मिलेगा। 6 दिन तो तुम उसको बटोरा करोगे, परंतु 7वें दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। देखिए ये सीने पर्वत पर व्यवस्था देने से पहले परमेश्वर एक परीक्षा लेना चाहता है, और वो परीक्षा काय की है? वो परीक्षा है 10 हुक्म की चौथी आज्ञा की, यानी विश्राम दिन की, यानी परमेश्वर के पवित्र दिन की, परम विश्राम दिन की जो है वो लेना चाहता है। और एक इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता हम बताते हैं, अभी हम नए नियम में से भी बात करेंगे। यहां आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यशायाह की पुस्तक, उसका 58 अध्याय और 13 और 14 पद है। जी हाँ, यशायाह 58 चैप्टर और 13 और 14 वर्स है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन को अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला। अब देखिए कितनी बातें हैं कि विश्राम दिन को अशुद्ध ना करें, उस दिन को हम पवित्र रखें, उस दिन में हम अपनी इच्छा को पूरी ना करें बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, और उस विश्राम दिन को हम आनंद का दिन मानकर यहोवा के सामने आनंदित हो और उसका सम्मान करें और अपने मार्ग पर ना चलें। देखिए कितनी बातें जो है विश्राम दिन के लिए है जो यशायाह नबी कहता है। अभी हमने पिछले संदेश में क्या पढ़ा था, मत्ती 22 के 40 पद में क्या लिखा हुआ है कि ये जो 2 आज्ञाएं हैं ये सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है, यानी वेश है। देखिए वेश आ रहा है निकलकर, है वही जो यीशु मसीह कह रहा है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि खत्म कर दी या बदल दी, वो वेश बता रहा है कि क्या है, और ये है वेश परमेश्वर का वचन बता रहा है। देखिए हम चौथी आज्ञा की विशेषता की बात कर रहे हैं, अब एक बहुत विशेष बात जो है हम करेंगे नए नियम में से, जरा नए नियम में से निकाल लीजिए, बहुत विशेष बात है वो, और उसको जरा ध्यान से सुनेगा। मत्ती 24 अध्याय निकाल लीजिए, जी हाँ 24 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ रहा हूं।
जरा ध्यान दीजिएगा। पहले मैं 20 पद पढ़ लूं ताकि आप लोग नोट कर लीजिएगा उसको। मत्ती 24 का 20, प्रार्थना क्या करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े। अब जब आप मत्ती 24 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहां पर अंत समय की बात है। यहां पर आप जब 24 का ये तीसरा पद पढ़ेंगे ना, यहां लिखा हुआ है, जब वे जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अब यहां देखिए, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात चल रही है यहां पर, कि प्रभु जब तू कह रहा है कि मैं मरूंगा, मर के जी उठूंगा और फिर मैं स्वर्ग चला जाऊंगा और स्वर्ग से मैं फिर लौट कर आऊंगा, तो तेरे आने का और दुनिया के अंत का चिन्ह क्या होगा, जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, वो चिन्ह पूछ रहे हैं। तो वो सारी चीजें बता रहा है कि लड़ाइयों की चर्चा होगी, जगह जगह भूडोल होंगे, भूकंप होगा, ये होगा वो होगा, और पाप के बढ़ जाने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, ये सारी बातें बता रहा है। मगर किसी भी परेशानी से निकलने के लिए या किसी भी परेशानी से बचने के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि एक स्पेशल प्रेयर जो है यहाँ पर लिखी गई कि तुम करो, और कौन सी, कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन ना भागना पड़े। अब मान लीजिए बहुत ठंड पड़ रही हो और हम रजाई में दुबके सो रहे हो और एकदम से भूकंप आ जाए, एकदम से बहुत परेशानी आ जाए, लोग घेरने मारने पीटने लगे और हमें निकल के भागना पड़े और जाड़े में भागना पड़े, बरसात हो रही हो तो और भूकंप आ जाए तो कैसे करेंगे, और सबत के दिन यानी परमेश्वर का पवित्र दिन है, उसमें हम आराधना कर रहे हैं और उसकी आराधना में लिप्त हैं, उसकी आराधना में यानी पवित्र दिन में जो है उसकी आराधना कर रहे हैं, और एकदम से भूकंप आ जाए और या लोग आ जाए मारने पीटने लगे तो हमें निकल के उसकी आराधना को छोड़ के भागना पड़े तो कैसा होगा। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन ना भागना पड़े। देखिए विशेषता है उसकी कि हमें वो कह रहा है कि इसमें ना, इसके लिए प्रार्थना करो, उन चीजों के लिए प्रार्थना ना करो कि कलेश होगा या भुडोल होगा या मारपीट होगी या जेलखाने में डाल दिए जाएंगे या पाप के बढ़ जाने से क्या कहते हैं प्रेम ठंडा हो जाएगा, किसी विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि कुछ विशेष बात है ना। अब देखिए, और दुनिया के अंत तक सबत है, इसका मतलब क्योंकि यहां पर मत्ती 24 के तीन पद में क्या है, दो सवाल करे हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात हो रही है और क्या कहते हैं दुनिया के अंत की बात हो रही है कि क्या चीज, इसका मतलब दुनिया के अंत तक जो है सबत का दिन है और परमेश्वर ने जिसको पवित्र किया है। इसकी विशेषता देखिए क्या है, छठी विशेषता जो है यहां पर हम देखने पाएंगे, मरकुस 2:28 को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ देते हैं ना, जरा अच्छा रहेगा कि जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। मरकुस 2 अध्याय और उसका 28 पद है यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। देखिए अब यहाँ पर मनुष्य का पुत्र जो है प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है, स्वामी का मतलब होता है मालिक। जी हाँ, देखिए यीशु मसीह जो है वो इस सारी सृष्टि का मालिक है, यीशु मसीह मेरा और आपका भी मालिक है, और यीशु मसीह जो है यहां लिखा है कि वो सबत के दिन का भी मालिक है। यीशु मसीह मालिक है, हम मालिक नहीं है। हम लोग कहते ना, बहुत से लोग कह देते हैं अरे यीशु मसीह तो सबत का स्वामी है। ठीक है, वो स्वामी है, वो मालिक है, हम नहीं है। और हमें क्या पालन करना है कि उस सबत के दिन में क्या है, हमें उसकी आराधना करनी है, हमें उसकी स्तुति करनी है। ये विशेषता है उसकी, क्योंकि वो मालिक है, और सही बात है वो मालिक है। अब यहां पर इसी का मरकुस 2:27 भी जरा देख लेंगे, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। यहां मरकुस 2:27 में, तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। लोग यहां पर क्या सोचते हैं कि सब मनुष्य जो है सबत के दिन के लिए नहीं बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये चश्मा जो है, अब देखिए ये चश्मा है, ये चश्मा जो है मेरे लिए बनाया गया है, मैं चश्मे के लिए नहीं बनाया गया हूं। है कि चश्मा जो है मुझसे कहेगा अरे भाई मुझे पहनो, तुम्हारी आंखें कमजोर हो रही है, तुम्हें नहीं दिख रहा है। मुझे देखना है कि मुझे इसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, क्योंकि ये चश्मा मेरे लिए बनाया गया है, इसलिए मैं इसको यूज करूंगा। मैं इसके लिए नहीं बनाया गया कि ये मुझे यूज करेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से सबत का दिन हमारे लिए बनाया गया है कि हमें उसे कैसे पवित्र रखना है, हमें उसे में कैसे उसकी आराधना करनी है, हमें उसमें जाकर कैसे उसकी आशीष लेनी है। सबत का दिन नहीं कहेगा,
हम सबत के दिन के लिए नहीं बनाया कि सबत का दिन कहेगा अरे आओ भाई आज सातवां दिन है, आज परमेश्वर की आराधना का दिन है, आओ आशीषें ले लो, आओ पवित्रता ले लो। ये समझने की बात है, हम लोग क्या समझते हैं, क्या चीज है। और ये चीजें हैं, ये बहुत सी बातों को जब हम समझ नहीं पाते हैं तो हम परमेश्वर के वचन में कंफ्यूजन जो है हमारे दिल दिमाग में इतना बढ़ जाता है, इतना बैठ जाता है कि हम जो है परमेश्वर की जो सच्ची सच्चाई होती है उसको नकार देते हैं। जब आप उसमें पढ़ेंगे ना निर्गमन 20 का 8 पद पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सातवें दिन को यानी जो पवित्र पवित्र दिन को स्मरण रखना। स्मरण शब्द का मतलब क्या होता है, रिमेंबर, याद रखना। क्यों, देखिए 10 आज्ञाओं में सिर्फ उसी आज्ञा में एक शब्द आया है स्मरण रखना। क्यों याद रखना, क्योंकि उसको कहता है भूल मत जाना, दूसरी आज्ञाओं के विषय में नहीं कहता। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरी आज्ञाओं को हम भूल जाएं, दूसरी आज्ञाओं को भी ना भूलें, परंतु सबत वाली जहां आज्ञा है, जब आप निर्गमन 20 का 8 से 11 तक पढ़ेंगे तो आठवां पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर के दिन को पवित्र रखने के लिए स्मरण रखना यानी याद रखना। स्मरण शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों कहता है याद रखना, क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य आगे जाके भूल जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य आगे जाके जो है मेरे सबत को जो है बिल्कुल खत्म कर देगा और अपने व्यू जो है, अपनी जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार अपने दिन को चुनकर और उसमें आराधना करेगा। अब एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, एक जो है चाहे आप उसको आठवीं विशेषता कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, यहां लिखा हुआ है इब्रानियों 4:9 में, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। अब यहां लोग क्या कहते हैं कि साहब हमारे लिए तो सबत का विश्राम बाकी है, इब्रानियों की पत्री में लिखा, कुछ गलत नहीं लिखा है, बिल्कुल सही बात है कि अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। कौन सा, देखिए जितनी भी चीजें हैं हम यहां पर जो कुछ भी करते हैं इस पृथ्वी पर सब स्वर्गीय वस्तु का नमूना है। जब आप इब्रानियों की पत्रियों को पढ़ेंगे ना, इब्रानी की पत्री को जब उसका 7, 8, 9, 10 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें जो है, जो भी मंदिर पवित्र मंदिर बनाया गया उसमें जितनी भी चीजें रखी गई हैं या जो दिन दिया गया, ये सब जो है स्वर्गीय वस्तु का नमूना है। जब हम यीशु मसीह के साथ 1000 साल तक राज करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है वो जो दिन होगा वो परमेश्वर का विश्राम दिन होगा, वो परमेश्वर का एक लंबा विश्राम दिन। आप कहोगे, क्योंकि जब दूसरा पत्रस 3:8 पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 साल के बराबर है। देखिए वो एक दिन कौन सा होगा जो 1000 साल के बराबर होगा, वो प्रभु का दिन होगा जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें हम परमेश्वर के साथ उस सबत का पालन करेंगे, जिसमें हम परमेश्वर की आमने सामने बैठकर उस दिन को पवित्र रखेंगे और उसमें आशीषों को प्राप्त करेंगे। जी हाँ, वो है जब आप परमेश्वर के इस वचन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो विशेषताएं दी गई हैं ये सारी विशेषताएं हैं। और जैसा कि हमने अभी बताया था यशाया 58:13-14 पद में भी कि क्या विशेषता है, हमने देखा था प्रकाशित वाक्य 11:19 पद में भी एक विशेष तरीके से क्या कहते हैं परमेश्वर का मंदिर जो है वो खोला जाता है जो स्वर्ग में है। और यूहन्ना जो है उसके अंदर सिर्फ वाचा का संदूक दिखता है और उस वाचा के संदूक में क्या है, 10 कमांडमेंट्स हैं यानी 10 आज्ञा है, और 10 आज्ञा में 4थी आज्ञा है कि तू प्रभु के दिन को पवित्र रखने के लिए स्मरण रख, भूल मत जाना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये 4थी आज्ञा की विशेषता है, और इस विशेषता को जब हम ग्रहण करते हैं, जब हम मानते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ प्रभु अपनी आशीष कैसे उंडेलता है। और आपने देखा कि जो प्रभु का दिन है, वहां कहता ना मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, तो वो प्रभु का दिन कौन सा है, यानी ये 7वां दिन है, विश्राम दिन है, कि विश्राम दिन में यानी 7वें दिन में जो है वो आत्मा में आ गया। और प्रभु की क्यों 7वें दिन में उसको आने दिया, क्योंकि वो पवित्रता का दिन था, क्योंकि वो आशीषों का दिन था, ताकि वो उस आशीष को उस पवित्रता को अपने मन में महसूस कर सके, उसको ले सके और बड़ी पवित्रता के साथ उन बातों को देख सके, समझ सके और लिख सके। इसलिए वो इस पवित्रता के दिन में आया, यानी 7वां दिन विश्राम दिन जो आज के इस दुनिया में शनिवार है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों यह है प्रभु का दिन। आपने 7 प्रभु के दिन के 7 भागों को देखा और 7ों भागों में स्पष्ट तरीके से निकल के आया कि 7वां दिन जो है वो विश्राम दिन है और वो प्रभु का दिन है।
आइए इस दिन को पवित्र रखने के लिए याद रखें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।